आए दिन मुंबई सहित अलग अलग हिस्सों में गोडाउन लूटने का सिलसिला काफी बढ़ गया था। इन चोरों से व्यापारी पुलिस परेशान हुई। मुंबई थाने के आसपास के शहरी इलाकों में नामांकित कंपनियों के गोडाउन लूटने वाले दो गिरोह के 12 सातिर आरोपियों को थाने सील डाय घर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 30 लाख कीमत के इलेक्ट्रॉनिक माल को बरामद किया। ये आरोपी पहले गोडाउन की रेकी करते थे, फिर डालते थे डकैती। डायगर पुलिस स्टेशन के एरिया में जहाँ पे बहुत सारे गोडाउन है और आजू बाजू के एरिया में गोडाउन है, तो वो बेसिकली गोडाउन की घरफोड़ी करना ये इनका मोडस है। और जो है वो शटर जो उसको लॉक तोड़ना और फिर शटर जो है उसको ये करके ये घरफोड़ी हमेशा करते हैं। इसमें टोटल 12 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। अभी 5 आरोपी जो है एनसीआर में है, 6 आरोपी हमारे कस्टडी में है और बाकी 3 आरोपी इसमें फरार है। इसमें 2 रिसीवर है, एक सूरत का ठक्कर करके एक रिसीवर है और एक शाबान अली मुख्तार अली करके एक नवी मुंबई का रिसीवर है। ये दोनों को हमने अरेस्ट किए हैं। इसमें से जो ये व्हीकल यूज़ करते थे आयशर टेम्पो या और कोई टेम्पो कंपनी का, तो वो टेम्पो भी हमने इसमें सीज कर लिया है, क्योंकि इसमें जो है नंबर प्लेट पूरी बदलते थे और ड्राइवर जो है ड्राइवर इनका रहता था, वो आरोपी भी ड्राइवर इसमें है। अगर आप प्रेस नोट में देखेंगे तो 2 नंबर का जो एक आरोपी है वो जो है वो इसमें राजभर करके, तो वो इसमें ड्राइवर का काम भी करता है, रेकी भी करता है और वो इसमें आरोपी भी है। तो इसमें बेसिकली जेरोक्स मशीन चुराना, इनका पहले भी रिकॉर्ड हुआ है कि उधर नालासोपारा में 40 टीवी वगैरह उन्होंने कुछ चुराए हैं। तो ये जेरोक्स टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है ये करने वाला पहला गैंग है। और दूसरा जो गैंग है, ये गैंग जो भी कुछ माल मिलता है, लोखंडी पत्रे है, उसका पाइप्स है या फिर कोई अनाज वगैरह जो भी कुछ है, जो जो गोडाउन में रहता है वो करने वाला ये दूसरा गैंग है। इसमें कुछ केमिकल जो है वो केमिकल का भी इन्होंने चोरी किया था, कंटेनर का चोरी, उसका लीक करना, चोरी करना, ये भी उनके ऊपर कुछ गुने कलमबुरी पुलिस स्टेशन, उरन पुलिस स्टेशन में ऐसे गुने हैं। तो बेसिकली ये जो गैंग है जहाँ जहाँ गोडाउन से वहाँ वहाँ पर ये काम करती है। तो ये इसमें रिकवरी भी हुआ है और 100% और ये आरोपी भी अरेस्ट हुए हैं सर दोनों में। इसमें ऐसा है कि हमारे पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दाखिल हो गई, जेरोक्स मशीन 10 जेरोक्स मशीन चोरी हो गई है। तो हमने मेरी टीम जो सर मेजर यादव और इनको साथ में लेके हमने छानबीन शुरू की। उसमें हमें जो खबरी है उनसे इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे चोरी करने वाले लोग वो माल बेचने के लिए नवी मुंबई आ रहे हैं। तो हमने नवी मुंबई में फील्डिंग लगाई लेकिन वो हमारे हाथ में लगी, शायद उन्हें भनक लगी। बाद में ऐसा पता चला कि वो माल लेके एक टेम्पो में जा रहे हैं, वो सूरत को बेचने के लिए जा रहे हैं। तो हमने वो पूरे डिटेल गुजरात पुलिस को दिए, सूरत पुलिस वडोदरा उनको दी और उन्हें बताया कि ये ट्रैक कीजिए। उन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन के तहत उनको काबू में लिया। उसमें एक चंद्रकांत जो मुख्य आरोपी भाग गया था, बाकी 2 आरोपी और 6 मशीन वहाँ से उन्होंने रिक्रूट कर लिया। बाद में जो दोनों आरोपी को ला के उनको विश्वास में लेके उनके पास छानबीन की, तो तीसरा आरोपी हमने अरेस्ट किया। तीसरा आरोपी को अरेस्ट करने के बाद उसने 4 मशीन कहाँ रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी। वो 4 मशीन हमने रिकवर कर लिया और उनको उससे पूछताछ करने के बाद जो मेन आरोपी थे जुल्फिकार और चंद्रकांत, ये पहले भी 2005 साल पहले मिलके ऐसा ही गुना किया था उरण में, तो ये दोनों जेल में मिले हुए थे और ऐसे ही गुने करते थे। तो उन्हें भी हमने ट्रैक करके उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। पूरे टोटल आरोपी टोटल माल हमने रिकवर कर लिया। उसमें सील टाइगर में एक गोडाउन के जो चोरी होता था उसमें हमने आरोपी 7 आरोपी अरेस्ट किया है। उनके पास से 15,11,000 रुपये का माल बरामद किया है। इनका काम था दोपहर में रेकी करना, जिस जिस गोडाउन में माल है जो कीमती माल है उस माल का रेकी करके फिर रोड पाली में एक साथ जमा होते थे नई मुंबई में। वहाँ से एक टेम्पो उनका ही था, वो टेम्पो लेके गोडाउन में आके गोडाउन तोड़ के वो माल लेके जाते थे, वहाँ से चोरी करते थे। अच्छा, किस तरह का माल ये लोग गोडाउन से चुराते थे? जो मिला वो जो पत्रा है कीमती जो माल, एक जगह तो एक गोडाउन में पत्रा था, एक गोडाउन में पाइप था, दूसरे गोडाउन में पाइप था और दाल जब कुल कितने ऑफेंसेस इनसे आपने उजागर किए पूछताछ करके? अभी तक तो 4 ऑफेंस इनसे बरामद किया है। अभी इन 7 आरोपियों को पुलिस कस्टडी मिली है? हाँ, इसमें 6 आरोपी पुलिस कस्टडी में, 1 आरोपी एनसीआर में।